hello learners this is your trainer ashwarya sait and i welcome you all to this revolutionary youtube platform learn to lead tutorials ugc online mantra first of all thank you so much learners for trusting and believing us and showing your love and support to this channel guys this is truly your channel and Share this platform throughout India so that all the Indian youth can take worthy education regarding various competitive exams like UGCNET, CTET, PTET, MasterCadder, KVS, etc. 100% free of cost. I am daily uploading the new videos which are really very important for the entrance exams. So, guys, kindly watch these videos regularly. In this week, I taught you the process of research, research ethics, thesis, and article writing, along with different formats of referencing of the topic research aptitude, which is the second unit of UGC paper one. So, now I will discuss the previous year question answers regarding these topics, which I taught you this week. So, let's start discussing these question answers one by one. सो ऑन द स्क्रीन यू आर सींग दर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट ठीक है जी रिसर्च रिपोर्ट आपको मैंने पूरा फुल फ्लेज टॉपिक वीडियो में करवाया था और उसमें जो बिब्ल्योग्राफी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए ए पार्ट इज शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर B part is helps those interested in further research. C is has no relevance to research and D is all of the above. So bibliography का क्या जो है वो research report में क्या एक importance है. C option तो बिल्कुल गलत है कि has no relevance. ऐसा तो कुछ भी नहीं है. और जब अगर ए, सब, सब में से एक question या sorry सारी options में से एक option गलत हो जाता है तो ऑल ऑफ दी अबव डी भी ऑप्शन ऑटोमेटिकली जो है वो नल एंड वर्ल्ड हो जाता है तो रह गए ए और बी पार्ट अब ए पार्ट क्या कहता है शोज़ वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर देखिए जी रिसर्च की या रिसर्चर की वास्ट नॉलेज तो रिसर्च जब कोई उसकी रिसर्च पेपर या रिसर्च कंडक्शन uh, देखता है उससे पता लग जाता है कि रिसर्च प्रॉपर किस तरह से उसने कंडक्ट की है लेकिन जो बिब्लियोग्राफी पार्ट है वो उसका आंसर बी है यहाँ पे बिकॉज बिब्लियोग्राफी हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च क्योंकि बिब्लियोग्राफी क्या होती है हम क्या करते हैं जिस बुक में से हमने रेफरेंस लिया जिस बुक्स में से हमने डाटा लिया ठीक है हमने गो थ्रू किया पास्ट रिकॉर्ड्स चेक किए उस सोर्स का हमने जो है वो रेफरेंस एज अ बिब्लोग्राफी में दे दिया तो अब बिब्लोग्राफी में जो हमारी रिसर्च पढ़ेगा वो बिब्लोग्राफी भी देखेगा और जो जो सोर्सेज ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी सोर्सेज हमने बिब्लोग्राफी में शो करे होंगे मैंशन करे होंगे उसको ओपन करके उस लिंक्स को ओपन करके अपनी कोई भी नेक्स्ट रिसर्चर जो है वहाँ से कर सकता है नेक्स्ट रिसर्च ठीक है जी सो so, यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च ठीक है जी तो ये दिस इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथोसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी मेथड्स ठीक है जी एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च वहाँ पे मैंने जब हिस्टोरिकल रिसर्च करवाई थी तो मैंने आपको एक पर्टिकुलरली आपको एक क्लियर कर दिया था कि हर टाइप ऑफ रिसर्च में हाइपोथिस मेकिंग एंड हाइपोथिस टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी एक्सेप्ट वन रिसर्च एंड दैट इज वॉट रिसर्च आई थिंक यू आर नोइंग दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथिस मे और मे नॉट बी इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर मेकिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस तो यहाँ पे आंसर क्लियर है सर्वे मेथड में हाइपोथेसिस बिल्कुल आपको मैंडेटरी है बनाना एक्सपेरिमेंटल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग और मेकिंग दोनों इंपॉर्टेंट uh, है नॉर्मेटिव स्टडीज़ में भी जो है हाइपोथेसिस मेकिंग करते हैं लेकिन जो हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैं या हिस्टोरिकल रिसर्च में उसमें हाइपोथेसिस बना भी सकते हैं अगर नहीं भी मेक करेंगे तो उसमें कोई हार्म नहीं होगा बिकॉज उसका एक रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि पास्ट रिकॉर्ड्स हम पास्ट इवेंट्स लेके चल रहे हैं लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें एक फ्रेश हाइपोथेसिस बनाने की इतनी जरूर जरूरत जो है वो नहीं रहती है ठीक है जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फार्मुलेशन ऑफ हाईपोथिस इज फॉलोड बाय अब ये प्रोसेस का अगर आपने स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको जो है वो स्टेप्स अच्छे से आते होंगे अब वो क्या कह रहा है एक पर्टिकुलर स्टेप उसने आपको दे दिया क्वेश्चन में और उस पर्टिकुलर स्टेप का अगला स्टेप पूछा है आपके आंसर में तो वो क्या कहता है हाईपोथिस को फॉर्मुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सबको पता है उसके बाद हम क्या करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं तो डी इज दी आंसर ठीक है जी बिकॉज ऑब्जेक्टिव हम उससे पहले बना लेते हैं हाइपोथेसिस सेट करने से पहले ऑब्जेक्टिव जो है वो शो कर देते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा तो हम कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद ही करते हैं तो इमीजिएट नेक्स्ट स्टेप जो है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बाद कलेक्शन ऑफ डाटा बनता है एंड सी पार्ट है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल तो वो भी डाटा कलेक्ट करने के बाद ही हम रिसर्च टूल्स लगाते हैं कि किस किस तरह से हमने डाटा जो है वो किन किन टूल्स के जैसे क्वेश्चनर हैं इंटरव्यूज़ हैं स्केड्यूल्स हैं किस तरह से हमने टूल्स लगा के डाटा कलेक्ट करना है लेकिन सबसे उससे पहले कौन सा आता है कलेक्शन ऑफ डाटा और वो किसके इमीजिएट बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथिस सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन आगे जाकर जो है का लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का सो प्लीज लिसन इट वेरी वेरी केयरफुल स्टूडेंट्स रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर्ड एथिकल अब यहाँ पर रिसर्च एथिक्स मैंने आपको फुल फ्लैज टॉपिक करवाया था इस वीक तो ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रीविय प्रीवियस ईयर के दिखा रही हूँ ये उन्हीं टॉपिक्स मैंने मैंने कैप्चर किए हैं जो टॉपिक्स मैंने आपको इस वीक मंडे टू सैचरडे करवाए हैं और वो टॉपिक्स कौन कौन से थे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ रिसर्च एथिक्स करवाया था फुल फ्लैज आपको प्रोसेस ऑफ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिसर्च करवाया था एंड थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग करवाया था एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ रेफरेंसिंग करवाए थे तो यहाँ से ही हम मैंने क्वेश्चन जो है ट्वेंटी टू टोटल क्वेश्चन जो मैंने आपको आज मैंने डिस्कस करवाने हैं वन बाय वन सो रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल अब रिसर्च जो है एथिकल कब नहीं कंसिडर होती है एथिकल कब नहीं कहलाती इफ इट इफ इट बी आंसर है डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट जो आपको डा जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं ठीक है जी अगर आप उस उनकी प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी एनोनिमिटी क्या होता है सो so, एनोनिमिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बींग अनोन टू पीपल ठीक है जी अगर आपने प्राइवेसी नहीं रखी उन पीपल की उन रिस्पोंडेंट्स की आपने एनोनिमिटी बरकरार नहीं की तो आपकी रिसर्च जो है वो एथिकल नहीं है बिकॉज आपने कॉन्फिडेंशलिटी जो है उनकी सबको ही बता दी ठीक है जी तो यहाँ पे डाटा कॉन्फिडेंशियल रखता रखना चाहिए रिस्पॉन्डेंट्स के पर्टिकुलर्स भी कॉन्फिडेंशियल रखने चाहिए तो इस तरह से अगर हम नहीं रखेंगे तो रिसर्च जो है वो एथिकल नहीं होगी अगर ए ऑप्शन देखें सो ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट तो ऐसे एथिक्स में इसका कोई कंसर्न नहीं है हम रिसर्च में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही शो करते हैं ना प्रूव करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो तो रिसर्च में करना ही करना है तो ये तो ए ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं जा रही है सी ऑप्शन है डस्ट नॉट इन्वेस्टिगेट द डाटा साइंटिफिकली तो अगर हमने साइंटिफिकली जो है इन्वेस्टिगेट नहीं किया इट डजन मीन इट्स एथिकल इशू ठीक है जी तो बिकॉज हमने तो रिसर्च तो सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली जो है वो इन्वेस्टिगेट तो ऑटोमेटिकली करनी ही होती है सो इट इज़ अ डी पार्ट इट इज़ नॉट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड तो रिसर्च का कोई ऐसे ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता कि हाई स्टैंडर्ड रिसर्च है या लो स्टैंडर्ड रिसर्च है कोई भी प्रॉब्लम है उसकी कोई भी तरह की रिसर्च है सारे ही सारे रिसर्चेस जो हैं अपने आप में वर्दी कंसेप्ट होते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इट इज़ एब्सोल्यूटली मैचिंग विद द क्वेश्चन दैट इज रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट डज़ नॉट इन्श्योर प्राइवेसी एंड अनॉनमिटी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट नेक्स्ट रिसर्च एथिक्स डो नॉट इंक्लूड अब आपको रिसर्च एथिक्स के डिफरेंट डिफरेंट मैंने प्रिंसिपल्स करवाए थे उन प्रिंसिपल्स में से ये क्वेश्चन आया है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि उन प्रिंसिपल्स में रिसर्च एथिक्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है ऑनेस्टी होती है एथिक्स में डेफिनेटली होती है सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी क्या होती है कि हम कुछ बायस्ड हो रहे हैं हम अपने अकॉर्डिंगली चल रहे हैं अपना ओपिनियन जो है रिसर्च के ऊपर थोप रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं जनरली नहीं चल रहे हैं स्पेसिफिकली अपने ओपिनियंस आइडिया से चल रहे हैं ठीक है जी सब्जेक्टिव होके चल रहे हैं तो ये गलत है ठीक है जी रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्टिविटी तो इसका आंसर बी है तो नेक्स्ट पे डिस्कस कर लेते हैं इंटैग्रिटी इंटैग्रिटी क्या होती है इट्स बींग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रांग मॉरल प्रिंसिपल्स इंटैग्रिटी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल्स एथिकली स्ट्रांग हो मॉरल प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो तो वो तो हम करते हैं रिसर्च एथिक्स में ठीक है जी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है नॉट बींग बाय ठीक है जी हम बिल्कुल बायसनेस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं तो सब्जेक्टिविटी मीन्स हम बायस हो रहे हैं तो वो रिसर्च एथिक्स में नहीं इंक्लूड होता सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे फॉर्मैट का ठीक है जी सो so आपको मैंने फॉर्मेट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ रेफरेंसिंग कराए थे ये उसमें क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन मैंने लिया है और प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है सो so ये आप देखिए ये अगर आपको वो फॉर्मेट आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फॉर्मेटिंग वाली ठीक है जी तभी आप इसको जो है आंसर कर पाओगे अब फॉर्मैट है ठीक है जी अब डिफरेंट वो कहता है इसमें ए पी ए स्टाइल ठीक है जी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो रेफरेंसिंग फॉर्मेट है वो इनमें से कौन सा है अब आपको सारे ही एक सिमिलर लग रहे हैं है भी सबकी वर्डिंग सिमिलर है ठीक है जी अब हमने एग्जैक्ट देखना है कि कौन सा फॉर्मैट जो प्रॉपर जो है उसका फॉर्मैट है वो कौन सा है तो देखिए वैसे तो ए पी ए फॉर्मेट में सबसे पहले ऑथर नेम आता है उसके बाद जो है आपका पब्लिकेशन ईयर आता है फिर आर्टिकल टाइटल आता है फिर पीरियडिकल टाइटल आता है और पब्लिकेशन जो है वो पब्लिकेशंस आती हैं फिर वॉल्यूम आता है फिर पेज नंबर आता है इस तरह से जो है स्पेसिफिकली हम जो है स्क्रूटिनाइज़ करके हम लिखते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है ये भी इन्होंने मतलब ठीक लिखा हुआ है कि जो आप देख रहे हो इसका जो क्रम है या जो सीरियल है ऑथर नेम है ईयर है ठीक है जी टाइटल है पब्लिकेशन है एंड सो so, मतलब जो भी है इन्ग्रीडियंट सारे सेम है लेकिन उसमें आप फॉर्मेट में ये देख रहे हो कि ब्रैकेट्स uh, कॉमास एंड फुल स्टॉप ठीक है जी या कॉलन्स इनका जो है आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताना है तो अकॉर्डिंग टू ए पी स्टाइल ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट बिकॉज हम हमेशा क्या करते हैं ऑथर नेम स्पेसिफाई करने के बाद ईयर जो है पब्लिकेशन uh, ईयर को हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं ठीक है जी तो बी और सी में तो ब्रैकेट्स में लिखा नहीं हो तो बी एंड सी ऑप्शन तो नल एंड वर्ड पहले ही हो गए नल एंड वर्ल्ड हो गए अब ए और डी में से निकालना है चूज करना है तो वहां पे क्या है अब क्या ए क्यों है बिकॉज फॉर्मेट ऐसा है कि हम ऑथर नेम के बाद कॉमा है और उसके बाद जो है जो लास्ट नेम के बाद कॉमा है उसके बाद फर्स्ट नेम है डॉट है उसके बाद ईयर जो है वो ब्रैकेट्स में है फिर डॉट है बट डी में आपका जो हुआ ईयर के बाद जो है वो कॉमा डाला हो तो कॉमा नहीं आता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन ब्रैकेट्स में डाल के फिर डॉट आता है एंड सो ऑन सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ ए स्टाइल विच इज़ दी नाइनटी अब पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एकेडमिक रिसर्च अगर आपको क्वेश्चन ये भी आ जाए कि ज़्यादातर एकेडमिक रिसर्च में कौन सा फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ए फॉर्मेट तो उसका फॉर्मेट ए है और ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर ठीक है जी नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्सट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च सिंपल क्वेश्चन है कि ऐसी रिसर्च जो है जिसमें पार्टिसिपेटरी रिसर्च है जिसमें सारे रिसर्चर्स रिसर्च स्कॉलर पार्टिसिपेट करते हैं अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं अपने आइडियाज देते हैं अपनी एक्सपर्टीज शो करते हैं उसमें जो है वो क्या कंसिडर नहीं होता है सो so यहाँ पे ऑड वन आउट है इट इज़ नॉट ट्रू ठीक है जी तो देखते हैं ऑप्शंस ए ऑप्शन है इट रिकॉग्नाइजेस रिकोगनाइज दी नॉलेज एज पावर यस, सबकी नॉलेज हम ले रहे हैं सो नॉलेज इज पावर इट्स इट्स राइट इट एम्फेसाइजेज़ ऑन दी पीपल एज एक्सपर्ट्स तो एक्सपर्टीज तो होते ही हैं पीपल जो रिसर्च में इंक्लूड होते हैं उनके ओपिनियंस अपने देते हैं पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स होते हैं ये भी सही है इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी ऑब्वियसली इंक्वाइरीज भी होती हैं हम एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ सकते हैं कोई डाउट है वो डाउट भी ले सकते हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं क्वरीज जो है वो पूछ रहे हैं डाउट क्लियर कर रहे हैं तो ये सारा कुछ है उसमें उस प्रोसेस में उस एंड डी ऑप्शन इट्स सोल पर्पजस इज प्रोडक्शन ऑफ़ नॉलेज अब यहाँ पे ये एक उन्होंने एक लिमिट बना दी कि पार्टिसिपेटिव रिसर्च की सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पस क्या है प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज तो जहाँ पे अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई दें कि सोल है या ओनली है, है ना इस तरह के पर्टिकुलर वर्ड्स दिखाई दें तो इसका वो गलत होती है ऑप्शन बिकॉज उसके बहुत सारे प्रस्पेक्टिव्स निकलते हैं किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर जो है ओनली व्यू पॉइंट जो है वो गलत होता है कि उसका सिर्फ व्यू पॉइंट क्या है या सोल पर्पज़ क्या है प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज इसके इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और पर्पसिज हो सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट डी ऑप्शन इज द रोंग आंसर एंड रोंग आंसर ही हमें जो चूज करना है कि जो ऑड वन आउट है वही चूज करना है तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट सो नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्सरिंग क्रिएटिव एंड क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिव ग्रेटर तो यहाँ पे अब वैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैंने आपको कराया है इस मंथ में टीचिंग एप्टीट्यूड फुल फ्लैज कराया है उसमें मैंने आपको कराया था डिफरेंट डिफरेंट जो है टीचिंग मैथड्स कराए थे कॉन्फ्रेंस मेथड कराया था ठीक है जी सिम्पोजियम मेथड कराया था वर्कशॉप मेथड कराया था बहुत सारी चीज़ें हमने करवाई थी ठीक है तो यहाँ पे रिसर्च में भी ये डिफरेंट डिफरेंट जो कंसेप्ट कॉन्फ्रेंसिस हैं सेमिनार्स हैं ठीक है, है, है जी वर्कशॉप्स हैं सिम्पोजियम्स हैं तो ये रिसर्च में भी यूज़ होते हैं तो ये रिसर्च का क्वेश्चन भी है एंड एज वेल एज़ आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड से भी ये क्वेश्चन तकरीबन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रीवियस ईयर्स में आया भी हुआ है तो यहाँ पर वो कहता है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग जो है सबसे ज़्यादा ग्रेट किस डिफरेंट uh, मेथड में जो है वो लगती है अप्लाई होती है तो इसका राइट right आंसर जो है वो है वर्कशॉप वर्कशॉप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप खुद अपनी क्रिटिकल अपनी जो है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग से अपने हैंड से कुछ बना के देख रहे हैं और क्रिएटिव हो रहे हैं और कुछ क्रिटिकल भी हो रहे हैं सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं सीख भी रहे हैं कुछ बना भी रहे हैं तो ये सब कुछ चलता आ रहा है सबसे वैसे तो सब में ही होता है लेकिन सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल जो है क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग का किस में हो रहा है वर्कशॉप में ठीक है जी ठीक है जी सेमिनार में कम होता है रिसर्च समरी में तो इतना कुछ खास नहीं हो सकता कॉन्फ्रेंस में भी जो से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें भी आइडिया जनरेशन होती है क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है सब कुछ होता है लेकिन सब में मोस्ट हाईएस्ट लेवल पे किस में होती है वर्कशॉप में होती है बिकॉज उसमें हम खुद अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं करके देखते हैं नेक्स्ट क्या है अब फिर से ये क्वेश्चन आ गया डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फॉर्मेटिंग में और आया भी फिर से वही ए स्टाइल का ठीक है जी मैंने आपको बोला था ए ए स्टाइल शिकागो स्टाइल एंड एम एल ए स्टाइल ये तीनों स्टाइल्स पे बहुत बार हमेशा क्वेश्चन एक आता ही आता है तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए फिर से एपीए स्टाइल आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट अब यहाँ पे क्या है अब उसने ऑप्शंस दे दी कि कौन कौन सी कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो ए पी ए रेफरेंसिंग स्टाइल में होती हैं ठीक है जी अब देखिए हमने सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस का कोड नीचे आप आंसर्स भी देख रहे हैं आंसर ए बी सी एंड डी अब देखना है कौन सा करेक्ट है यहाँ पे क्या है ए ऑप्शन इज इटेलीसाइज टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्ग सच एज जर्नल आर्टिकल्स और एस मैंने आपको बताया था ए पी स्टाइल में हम इटेलीसाइज करते हैं टाइटल्स को लेकिन शॉर्टर वर्क्स के टाइटल्स को इटेलीसाइज नहीं करते हम लॉन्गर वर्क्स के टाइटल्स को इटेलीसाइज करते हैं गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिए अंडरस्टैंड कीजिए फॉर्मेट है उसके डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन हमें पता होने चाहिए इटेलीसाइज जरूर करते हैं लेकिन जर्नल्स शॉर्ट जर्नल्स या एसेज जो शॉर्टर वर्कर्स वर्कस होते हैं उनको इटेलीसाइज नहीं करते लॉन्ग वर्कस को जैसे कि बुक्स एंड जर्नल्स उनके जो है रेफरेंसेस को इटेलीसाइज करते हैं तो इट मींस ए ऑप्शन जो है वो नहीं है एपीए फॉर्मेट में वो इंक्लूड नहीं होता ए ऑप्शन गलत है वो नहीं लेंगे बी है इनवर्ट ऑथर्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट यस ठीक है जी लास्ट नेम फर्स्ट आता है ठीक है जी और ऑथर्स जो फर्स्ट नेम है वो लास्ट नेम के बाद जो है वो सीरियल में आता है तो यहाँ पे ये सही है सी ऑप्शन इज़ अटैलीसाइज टाइटल्स ऑफ लॉन्गर वर्क एज बुक्स एंड जर्नल मैंने आपको पहले बता दिया लॉन्गर वर्क को अटैलीसाइज़ करते हैं तो ये भी सही है अल्फाबैटिकली डी ऑप्शन इज़ एल्फ़ाबैटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट यस जो रेफरेंस लिस्ट हम डालते हैं ए फॉर्मेट में वो बिल्कुल अल्फ़ाबैटिकली जो है उसका इंडेक्स बनाते हैं ताकि जो रिट्रीवल में या आगे जिसने रिसर्च करनी है उसमें अल्फाबेटिकली वो रेफरेंस देखें और उससे जो है वो नॉलेज गेन करें यहाँ पे बी सी एंड डी ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट एज पर दी ए पी ए रेफरेंसिंग स्टाइल बट ए इज रॉन्ग सो आंसर बी बी ऑप्शन जो है देखिए आंसर्स में जो बी ऑप्शन है मींस बी सी एंड डी ठीक है बी सी एंड डी ये तीनों को उसने लिया हुआ बी ऑप्शन में तो यही र, राइट आंसर है ठीक है जी आपका नेक्स्ट क्या है इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स में भी कंसिडर्ड पर्टीनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च रिसर्च एथिक का जो इशू है वो कौन किस स्टेज ऑफ रिसर्च पर्टिनेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस स्टेज ऑफ रिसर्च में होता है रिसर्च एथिक्स का जो इशू है ठीक है जी पर्टिनेंट का मतलब इंपॉर्टेंट रेलिवेंट होता है यहाँ पर तो देखिए अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आपको दी हुई हैं ऐट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फार्मोलेशन एंड इट्स डेफिनेशन प्रॉब्लम फॉमुलेन प्रॉब्लम कोई भी ले सकते हैं किसी भी जोन किसी भी एरिया को हम प्रॉब्लम जो है वो एज अ रिसर्च में ले सकते हैं तो इसमें ज़्यादा पर्टिनेंट हर स्टेज में रहता है वैसे रिसर्च का इशू एथिकल इशू बट सबसे ज़्यादा रेलिवेंट कौन सी स्टेज में रहता है ये हमारा आंसर है ठीक है जी तो ए ऑप्शन इतना सूटेबल uh, नहीं है बिकॉज इतना रेलिवेंस नहीं इत, इतना पर्टिनेंट इस स्टेज में नहीं रहता रिसर्च एथिक्स का इशू नेक्स्ट है एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च पॉपुलेशन का मतलब है कि कौन सी पॉपुलेशन से हमने सैंपल्स लेने हैं तो यहाँ पे भी इतना पर्टिनेंट ये नहीं रहता है एट दिस स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रटेशन येस थर्ड स्टेज में जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इस स्टेज में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट जो है एथिकल इशूज़ uh, रहते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने के बिकॉज इस स्टेज में क्या है डाटा कलेक्शन में बहुत सारे uh, जो है वो uh, फ़िशी थिंग्स या जैसे मैंने आपको बोला फैब्रिकेशन कर देते हैं फॉल्सिफिकेशन कर देते हैं प्लेगरिज्म कर देते हैं ये डाटा एनालिसिस कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन की स्टेज में सबसे ज़्यादा ये फिशी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है रिसर्च एथिक्स का ठीक है जी एंड फोर्थ इज़ एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स ठीक है जी वैसे तो अगर मैं आपको एक बताऊं स्पेसिफिकली कि जब भी आपको क्वेश्चन आए कि रिसर्च एथिक्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका आंसर जो है डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रटेशन होता है अगर ये आपको ऑप्शन कहीं दिखाई ना दे तो सेकेंड ऑप्शन क्या बनता है रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स ठीक है जी हमेशा आप ऑप्शन ढूंढिए बिकॉज ये सबसे ज़्यादा पॉर्टिनेंट होता है डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रटेशन में ये ऑप्शन है तो आपका ये ऑप्शन सही आंसर होगा अगर ये ऑप्शन आपके आंसर्स में नहीं है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा रिपोर्ट फाइंडिंग्स ठीक है जी तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो उसका राइट right होता है सो एट दी स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ठीक है जी और इसका आंसर थर्ड है ठीक है जी अब देखिए अब स्टेप्स पे आ गया आपका प्रोसेस ऑफ रिसर्च पे आ गया कि यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस में सीक्वेंस दिया हुआ है रिसर्च स्टेप्स का लेकिन कौन सा सीक्वेंस जो है वो राइट right सीक्वेंस है देखिए आप ध्यान से देखिए तो मैं आपको स्क्रीन को ब्रॉड कर देती हूँ ये देखिए सबसे पहले है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एनालिसिस फॉर्मुलेशन के बाद सीधा एनालिसिस तो गलत हो गया पहले ही वो गलत हो गया स्टेप ठीक है जी नेक्स्ट सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन नहीं रिसर्च डिजाइन पहले डेवलप नहीं करते प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं ये सब कुछ ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं तो ये भी गलत हो गया नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम फार्मुलेशन थर्ड में क्या है प्रॉब्लम मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन देन कलेक्शन ऑफ डाटा डाटा एनालिसिस फार्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस राइट सीक्वेंस थर्ड ऑप्शन इज एप्सोल्यूटली राइट एंड डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं फार्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम डिसाइडिंग उटल तो एंडवेंसूना है, है तो राइट सीक्वेंस तो right right तो right में थर्ड ऑप्शन में आपको राइट right सीक्वेंस मिल जाएगा तो ये आपका right में है. ठीक है जी तो अब ये नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज सेम एज़ ठीक है जी जो फॉर्मेट थीसिस राइटिंग का वो बिल्कुल सेम किसके जैसा होता है ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है एंड इट्स वो किसके जैसा होता है आपको मैंने बताया था रिसर्च डिजर्टेशन की तरह थीसिस और डिजर्टेशन तकरीबन सेम होते हैं इनके फॉर्मेट्स बिल्कुल सेम होते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ठीक है जी और डिजर्टेशन और थीसिस में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो थीसिस है वो जो डिग्री होल्डर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्री पीजी डिग्रीज वो अगर कोई थीसिस uh, बनाते हैं या रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो वो थीसिस वो सबमिट uh, करते हैं लेकिन जो अगर डिजर्टेशन की बात करें तो थोड़ा सा उसका लेवल हाई हो जाता है कुछ डॉक्टर लेवल पे या फिर कुछ हाई एजुकेशन लेवल पे अगर कोई अपनी फील्ड में रिसर्च रिपोर्ट बना के प्रजेंट करता है तो डिटेल्ड मैनर में तो उसको क्या बोलते हैं रिसर्च डिजर्टेशन लेकिन दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है जनरलाइज्ड वे में तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर द रिसर्च इज रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया वट टूल शुड ही प्रेफर अब उसने क्या करना रिसर्चर ने जो है कौन सा टूल लगाए कि वो एक पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी का एक अर्बन एरिया में प्रोस्पेक्टर्स का मतलब होता है उसका फ्यूचर मीन्स फ्यूचर में वो पॉलिटिकल पार्टी उस अर्बन एरिया में कितना जो है कैप्चुरेशन करती है अपनी एक छाप छोड़ती है प्रोस्पेक्ट फ्यूचर उसका कितना ब्राइट है एक पर्टिकुलर अर्बन एरिया में पॉलिटिकल पार्टी का तो ये अगर देखना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा टूल वैसे तो सारे टूल्स अपनी जगह बेस्ट होते हैं लेकिन इस सिचुएशन में पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे बेस्ट टूल कौन सा लें तो सबसे बेस्ट टूल जो है अगर डाटा कलेक्ट करना है यहाँ पर तो सबसे बेस्ट टूल है क्वेश्चन राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन रेटिंग स्केल इतना अप्रोप्रेट इस पॉइंट ऑफ मतलब इस केस स्टडीज में नहीं रहेगा इंटरव्यू नहीं रहेगा स्केड्यूल नहीं रहेगा स्केड्यूल क्यों नहीं रहेगा बिकॉज उसमें आपको जो है खुद जा जाकर खुद अपने हाथों से जो रिस्पोंडेंट बोल रहा है जो उसको आपको जॉल्ट आउट करना होता है डाटा खुद भर भरना होता है या अपने प्रेजेंस में खड़े होकर भरवाना पड़ता है वो पॉसिबल नहीं रहता तो क्वेश्चन ईयर क्या है ऑफलाइन या ऑनलाइन डाल के आप उसको ऑफलाइन भी डाल सकते हैं क्वेश्चन एयर भरवा सकते हैं ऑनलाइन भी भरवा सकते हैं तो वाइड कवरेज हो जाती है अर्बन एरिया में तो इसका जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो टूल हम यूज करेंगे वो क्वेश्चन एयर जो है बेस्ट रहेगा यहाँ पे अर्बन एरिया में एक पोलिटिकल पार्टी का पोटेंशियल या प्रोस्पेक्ट जो है वो जज करने के लिए नेक्स्ट क्या है इन द थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है मैंने आपको थीसिस का फॉर्मेट कराया था उसमें तीन तरह की मेन मैंने आपको क्राइटेरियंस कराए थे फॉर्मेट में सबसे पहले होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट फिर नेक्स्ट पार्ट आता है मेन बॉडी पार्ट और लास्ट में आता है फिनिशिंग uh, पार्ट ठीक है जी तो फिगर्स एंड टेबल्स कौन से पार्ट में आते हैं ठीक है जी ए ऑप्शन है अपेंडिक्स अपेंडिक्स में तो नहीं आते फिगर्स एंड टेबल्स ठीक है जी अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है थीसिस एंड फॉर्मेट थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग uh, वाली तो प्लीज़ देखिए उसमें मैंने थीसिस का प्रॉपर फॉर्मेट आपको बिकॉज थीसिस का फॉर्मेट के ऊपर फॉर्मेट के सीक्वेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आता होता है वीडियो में कोई मेरी जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी थीसिस का फॉर्मेट डिटेल में कराया है मैंने वन बाय वन सारे उसके स्टेप्स uh, फॉर्मेट के आर्टिकल का फॉर्मेट मैंने वन बाय वन सारे स्टेप्स लॉजिकल सीक्वेंस मैंने आपको करवाए हुए हैं तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको झट से आंसर अभी तक पता लग चुका होगा फिगर्स एंड टेबल्स कहाँ पे आते हैं अपेंडिक्स में तो नहीं आते बिकॉज अपेंडिक्स बिल्कुल लास्ट फिनिशिंग पार्ट में जाता है ठीक है जी बी सेपरेट चैप्टर नहीं सेपरेट चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं करते कि हम सेपरेट चैप्टर बनाते हैं फिगर्स एंड टेबल्स को इंक्लूड करने के लिए बिल्कुल गलत है सी पार्ट इज कंक्लूडिंग चैप्टर नो कंक्लूडिंग चैप्टर में भी हम फिगर्स एंड टेबल्स को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करते हैं एंड डी इज द टेक्स्ट इज इट्स सेल्फ येस फिगर्स एंड टेबल्स को हम टेक्स्ट में ही जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं और अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा उस वीडियो में तो फिगर्स एंड टेबल्स कहाँ मैंने आपको बताए थे वो मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे लास्ट में आते हैं ठीक है जी तो वो इन द टेक्स्ट इट ही शो होते हैं ठीक है जी तो नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल रिसर्च जर्नल जब आता है पब्लिश पब्लिश होता है तो सबसे ज़्यादा उसका जो है Uh, इसकी क्वालिटी को कौन सा इसमें से जो फैक्टर है वो दर्शाता है कि एक रिसर्च जर्नल की सबसे क्वालिटी uh, को कौन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा दर्शाता है कौन सा ये ऑप्शन ए ऑप्शन इज इन इम्पैक्ट फैक्टर बी ऑप्शन इज़ एच इंडेक्स सी ऑप्शन इज़ जी इंडेक्स डी ऑप्शन इज़ आई टेन इंडेक्स तो बी सी और डी तो ये इंडेक्स फॉर्मेट्स हैं इससे हम रिसर्च जर्नल की क्वालिटी का पता नहीं लगा सकते हैं लेकिन ए ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर कि जो इम्पैक्ट फैक्टर है इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है जर्नल का जर्नल पब्लिश हुआ और उसने कितने रिसर्चर्स कितनी जनता कितने जो इस फील्ड में उस जर्नल के फील्ड में जो रिसर्चर्स हैं स्कॉलर्स हैं उनको कितना उसने प्रभावित किया कितना इम्पैक्ट उनके माइंड्स पे छोड़ा और कितना उनको वास्ट नॉलेज जाकर दी इस जर्नल ने उसकी क्वालिटी का हम कैसे चेक करते हैं उसके इम्पैक्ट फैक्टर से उसकी क्वालिटी का जजमेंट होता है तो राइट आंसर इज ए नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स ठीक है जी हाँ जी एथिक्स कौन सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं आप ऑप्शन देखिए कि एथिक्स आपको कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ए ऑप्शन इज पब्लिशिंग द सेम रिसर्च पेपर इन टू रिसर्च जर्नल्स नहीं गलत हो गया ये एथिकल इशू हो गया यहां पे क्रिएट कि आप एक जर्नल जो है एक पेपर जो है वो टू जर्नल्स में एक रिसर्च पेपर दो जर्नल्स में पब्लिश कर रहे हो गलत हो गया एथिकल नहीं है ये नेक्स्ट इज कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर दैट टेक्नोलॉजी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पीपल इन द रेलिवेंट फील्ड और रेलिवेंट प्रियर प्रेयर वर्क यस लिटरेचर अगर आप रिव्यू uh, कंडक्ट uh, कर रहे हो पास्ट रिकॉर्ड्स uh, आप पढ़ रहे हो किसी और का डाटा आप देख रहे हो तो उसको जो जिन जिन, -जिन, जिन जिस जिसने उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है उस उस कॉन्ट्रीब्यूशन को आप जो है वो शो भी कर रहे हो उसको आप एक्नॉलेज भी कर रहे हो अपनी रिसर्च में ठीक है जी आप उस सोर्स को एक्नोलेज कर रहे हो ठीक है जी तो ये आपका एथिक्स है कि आप उस डाटा को अपने नाम से रेफर नहीं कर रहे डाटा को ले रहे हो आप दूसरे पास रिकॉर्ड से किसी और के रिकॉर्ड से लेकिन उसको आप एक्नॉलेज भी कर रहे हो तो ये बिल्कुल सही है ये रिसर्च एथिक्स जो है वो शो करता है सी इज़ स्ट्रीमिंग आउटलाइनर्स फ्रॉम द डाटा सेट विदाउट डिस्कशिंग डिस्कसिंग योर रीजन इन द रिसर्च पेपर ये भी गलत है कि हमने ट्रिम ही कर दिया आउटलेयर्स को ये भी गलत है इंक्लूडिंग अ कोलीग एज अ ऑथर ऑन एन रिसर्च पेपर इन रिटर्न ऑफ अ फेवर किसी का फेवर हम लेके उसको रिसर्च पेपर में उसको ऑथर बना देते हैं तो ये भी गलत है तो क्या है रिसर्च एथिक्स बी ऑप्शन इज एक्यूरेट विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ससेप्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स ससेप्टेबल का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है ससेप्टेबल इज लाइक लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म बाय अ पर्टिकुलर थिंग ठीक है जी यहाँ पे का क्या होता है कि रिसर्च एथिक्स जो है आ, कब जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस होते हैं या हार्म होते हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग के थिंग में से या फ़िशी थिंग से तो ये आपको अब ऑप्शन बताना है इन एक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यहाँ पे रिसर्च एथिक्स का कोई इशू नहीं है अगर आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाए हैं वो आप आपसे बाय चांस इनएकूरेट या आपको फॉर्मुलेज आप नहीं डिराइव कर पा रहे आप अच्छे से अच्छे से टेक्निक्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें रिसर्च एथिक्स का इशू क्रिएट नहीं होता नेक्स्ट क्या है फॉल्टी रिसर्च डिज़ाइन इसमें भी क्या है आपने नॉट बाय चॉइस ठीक है जी आपने बाय चांस आपसे जो जो लेआउट है या ब्लूप्रिंट है रिसर्च का वो गलत बन गया है बाय चांस तो यहाँ पे भी एथिकल इशू नहीं है चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स तो आपने टेक्निक जो सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाई हैं प्रॉबिलिटी टेक्निक्स लगाई हैं या नॉन प्रॉबिलिटी टेक्निक्स लगाई हैं तो यहाँ पे भी रिसर्च एथिक्स का जो इशू नहीं क्रिएट होता बिकॉज बिकॉज आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्निक लगा सकते हो बट टेक्निक सही तरह से लगाना है वो सही है ठीक है जी तो यहाँ पर फोर्थ में क्या है रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग ये ऑप्शन जो है वो रिसर्च एथिक्स के साथ एफिलेटेड है क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन आया था रिसर्च एथिक्स का मैंने आपको बताया था अगर वैसे तो रिसर्च एथिक्स का जो इशू है वो डाटा कलेक्शन एंड से सीधा जुड़ा होता है। अगर वो ऑप्शन आपको पेपर में आए तो आपका वही आंसर है लेकिन अगर वो ऑप्शन ना दिखाई दे आपको ऑप्शन में तो दूसरा आंसर सही कौन सा बनता है एट दी रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स ठीक है जी बिकॉज हम जब रिपोर्ट करते हैं रिपोर्ट बनाते हैं उस रिपोर्ट में हम कहीं ना कहीं कुछ अपने तरफ से अपने आइडियाज़ या ओपिनियंस या अपने कुछ मैन्युप्लेशन कर सकते हैं तो यहाँ पे मैन्युपलेशंस हो सकती हैं वहाँ पे एथिकल इशू क्रिएट होते हैं और राइट आंसर इज़ फोर्थ आंसर ठीक है जी नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन प्रॉबलिटी सैम्पलिंग ये क्वेश्चन फैक्चुअल है नॉन प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे हम जो हम रैंडमली सिलेक्शन नहीं करते नॉन रैंडम सिलेक्शन करते हैं अब आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी कि जब हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स की थी प्रॉबिलिटी सैंपलिंग नॉन प्रॉबिलिटी सैंपलिंग सैंपलिंग टेक्निक्स प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग में क्या किया था सिंपल रैंडम uh, सैंपलिंग उसके बाद क्लस्टर किया था स्टर्टिफाइड किया था मल्टी स्टेज किया था सिस्टमेटिक ये पांच तरह की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स थी और uh, द, द, दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स मैंने आपको बोला था पर्पसिव uh, या फिर जजमेंटल नेक्स्ट मैंने आपको था कराया था स्नो फिर कन्वीनियंस ठीक है जी फिर कोटा सैम्पलिंग तो ये सारे थे नॉन प्रॉबिलिटी के तो उसने क्या बोला है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉबलिटी सैम्पलिंग जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नहीं आता है वो कौन सा है वो परपसिव नहीं आता बिकॉज परपसिव किस में आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है ठीक है जी तो इसका आंसर क्या है बी नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च रिसर्च एक्टिविटीज फिर से यही देखो बार बार वैसे ही रिसर्च एथिक्स का क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ पे वो क्रिएट होता है प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स कौन सी एक रिसर्च एक्टिविटी से फिर से वही क्वेश्चन तकरीबन मतलब उसकी फॉर्म घुमा फिरा के आ गई है कि रिसर्च एथिक्स कहाँ पे जो है ज़्यादा क्रिटिकल या सबसे ज़्यादा जो है वो एफलेट होता है ये इसका फोर्थ आंसर बनता है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग मैंने आपको पहले बताया डाटा कलेक्शन इंटरप्रिटेशन है ऑप्शन तो वो है अगर वो नहीं है तो रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स होता है तो यहाँ पे फोर्थ आंसर इज दी राइट right, बिकॉज अगर ए ऑप्शन देखें तो थीसिस का प्रॉपर फॉर्मेट बना होता है वहाँ पे एथिक्स का कोई इशू हो नहीं सकता फॉर्मेट जैसे बना है हमने वैसे ही फॉलो करना होता है डाटा एनालिसिस थ्रू आउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अब यहाँ पे डाटा एनालिसिस लिखा हुआ है लेकिन उसने साथ में क्या बोल दिया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अब उसने टेक्निक्स भी शो कर दी कि आप टेक्निक्स प्रॉपर लगा रहे हो तो जहाँ पे आप टेक्निक्स प्रॉपर अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे डाटा एनालिसिस में कुछ भी मैन्यूपुलेट नहीं हो सकता अगर यहाँ पे आपको ये ना दिया होता कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ना दिया होता सिंपल दिया होता डाटा फार्मुलेशन या डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस फिर वो आपका सही आंसर होता लेकिन यहाँ पे आप टेक्निक्स भी फॉलो कर रहे हो तो टेक्निक्स में कभी मैन्युपुलेशन नहीं होती है नेक्स्ट क्या है थर्ड इज डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च इसमें भी कोई मैनुपलेन नहीं है तो कहाँ पर है रिसर्च रिपोर्ट फाइंडिंग्स में हो सकती हैं एथिकल इशू तो ये आपका राइट आंसर इज़ फोर्थ नेक्स्ट का प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर द स्टूडेंट्स परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम कि आपको ये फेलोशिप जो दी जाती है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप कौन से पीएचडी एच प्रोग्राम के थ्रू प्रस्यू करने के लिए दी जाती है अब ये फैक्चुअल है इसका आंसर फोर्थ है कि अगर आप आई में या आई में अगर आप पी प्रोग्राम प्रस्यू कर रहे हो उन स्टूडेंट्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है ये क्वेश्चन भी प्रीवियस

ये अगर ऑप्शन देखें नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग्स ऑफ द स्टॉक्स इन द कंपनी दैट स्पॉन्सर्स योर रिसर्च मतलब ये डील हो गई कि जो कंपनी आपकी रिसर्च को स्पॉन्सर कर रही है उसका कोई आप स्टॉक्स या शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज ना करो तो ये डील नहीं करनी है हमने ठीक है जी यहाँ पे कोई सौदा सौदेबाजी नहीं करनी तो ये गलत है असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पी और रिसर्च एंड रिसर्च स्टूडेंट ओनली हाँ ये बिल्कुल सही है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर रिसर्च स्कॉलर को या एक पर्टिकुलर पीएचडी होल्डर को दी जाए ताकि वो सबको अपनी अपनी एक अलग अलग जो है वैरायटी ऑफ रिसर्च मिले कि सारे जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ना सोल्यू सोल्यूशन ढूँढे सब अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढे तो यू शुड असाइन अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू अ पर्टिकुलर रिसर्च स्टूडेंट ठीक है जी तो ये सही है यहाँ पे डिस्कसिंग योर विद योर कोलीग्स कॉन्फिडेंशियल डाटा अब यहाँ पे आप कोलीग्स के साथ कॉन्फिडेंशियल डाटा को डिस्कस कर रहे हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी आप भंग कर रहे हो ये भी रिसर्च एथिक्स में नहीं आता डी ऑप्शन इज सबमिटिंग द सेम रिसर्च मैनेज स्क्रिप्ट पब्लिशिंग इन वन मोर जर्नल ये भी गलत है कि आप अपनी पब्लिकेशन को uh, एक से ज़्यादा जर्नल में जो है पब्लिसाइज कर रहे हो तो ये भी गलत है तो एथिकल कहाँ पर हो आप बी आप ऑप्शन में बिल्कुल एथिकल हो कि जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को असाइन कर रहे हो नेक्स्ट क्या है अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व क्या अब थीसिस राइटिंग में अब ये यहाँ पे क्या है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड थीसिस राइटिंग मैंने आपको कैक्टरस्टिक्स भी कराए थे अब देखो कौन कौन से करैक्टरस्टिक्स यहाँ पे गुड थीसिस में आ रहे हैं फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स टू अ मिनिमम यस ये तो होना चाहिए एरर्स कम करो केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेज ये भी हमें करना चाहिए कंसिस्टेंसी इन द वे द थीसिस इज रिटर्न येस कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और डी ऑप्शन इज अ क्लियर एंड वेल रिटर्न एबस्ट्रेक्ट बिल्कुल ये सारे के सारे करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं वो किस में होने चाहिए वो आपके गुड थीसिस जो है उसके फॉर्मेट में होने चाहिए ठीक है जी सो विद दिस वी कंक्लूड द टू प्रेजेंटेशन एंड आई टॉट यू द कंप्लीट सिलेबस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ यूजीसी पेपर वन सिंस लास्ट टू वीक्स गाइज आई स्टार्टेड माई चैनल ऑन फर्स्ट अप्रैल Uh, 1st April 2020, and in the whole month of April, I taught you two complete units of UGC Paper 1 that is, complete teaching aptitude as well as complete research aptitude. If you missed any video, then do watch it because it I taught you complete teaching aptitude and complete research aptitude in a chronological manner as per the UGC syllabus of Paper 1. If you like my video, then press the like button. Thank you so much and God bless you all.